कहते हैं कि इंसान को जरूरत से ज्यादा और समय से पहले मिल जाए तो वह जमीन पर पांव नहीं रखता। कुछ ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर के साथ, जो इन दिनों अपने नखरों की वजह से या यूं कहीं वीवीआईपी मांगों की वजह से विवादों में घिरी हुई है। उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले ही कलेक्टर दफ्तर से बंगला, गाड़ी और चपरासी की मांग की। यही नहीं, अपनी प्राइवेट ऑडी पर लाल बत्ती लगाने और वीवीआईपी नंबर प्लेट मांगने को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई है। इससे जुड़े व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुके हैं, जिनमें वह दफ्तर, बंगला, गाड़ी और चपरासी से जुड़ी हुई जानकारियां मांगती हुई दिखाई दे रही हैं। पूजा खेड़कर 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस अधिकारी हैं। यूपीएससी में उनकी 841वीं रैंकिंग आई थी, जिसके बाद उन्हें एडिशनल कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। पूजा ने खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था, जबकि उनके पिता दिलीप खेड़कर सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और चुनावी हलफनामे में 40 करोड़ की संपत्ति बताई थी। ऐसे में उनकी नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जहां क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की सीमा 8 लाख रुपए वार्षिक पैतृक आय होती है। इसके अलावा उनके पिता के पास 110 एकड़ कृषि भूमि है, 6 दुकानें और 7 फ्लैट, 900 ग्राम सोना चांदी और 17 लाख रुपए की सोने की घड़ी और 4 कार हैं। 48 लाख सालाना एग्रीकल्चर से आय होती है। इसके साथ ही 2 प्राइवेट कंपनियों में और एक ऑटोमोबाइल फार्म में हिस्सेदारी है। इतना ही नहीं, पूजा के पास 17 करोड़ की संपत्ति भी बताई जा रही है। पूजा और उनके पिता की कुल 60 करोड़ की संपत्ति है। यानी यूपीएससी पास करने के लिए जिस कोटे का इस्तेमाल पूजा ने किया, वो इसकी हकदार नहीं थी। यही नहीं, पूजा पर फर्जी सर्टिफिकेट से यूपीएससी परीक्षा पास करने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही जिस दिव्यांगता को आधार बनाकर उन्होंने परीक्षा दी थी, उससे जुड़े मेडिकल टेस्ट भी उन्होंने नहीं दिए। मेडिकल टेस्ट की 6 बार तारीख दी गई, लेकिन पूजा वे टेस्ट देने नहीं पूछी। अपुष्ट रिपोर्टों से पता चला है कि उन्हें 5 बार मेडिकल टेस्ट को छोड़ दिया और 6 बार सिर्फ आधा ही अटेंड किया। वह दृष्टि बाधा से जुड़े टेस्ट के आकलन के लिए भी, जरूरी एमआरआई टेस्ट के लिए भी नहीं पहुंची। पूजा ओबीसी और दृष्टि बाधित कैटेगरी के तहत सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई थी। उन्होंने मानसिक बीमारी का प्रमाण पत्र भी जमा किया था। अधिकारियों की माने तो उन्होंने 2022 में विकलांगता प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन के लिए एम्स में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोविड का हवाला देकर ऐसा नहीं किया। सिविल सेवा परीक्षा में कम नंबर के बावजूद और इन रियायतों की वजह से पूनम खेड़कर ने परीक्षा पास की थी।